You can watch this video with English audio on my alternate channel youtube.com/careermasterchannel। हेलो एंड वेलकम, मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है, खैर मकदम है। CUET 2022 के रिगार्डिंग मैं लगातार वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग वीडियोस देख रहे हैं, आपके लगातार कमेंट, लगातार क्वेरीज, लगातार फीडबैक आ रहे हैं, मैं उन पर वीडियोज़ भी बना रहा हूँ, आपके सवालों का जवाब कमेंट सेक्शन में भी दे रहा हूँ। एक सवाल आप में से कई लोगों ने पूछा है, आप में से कई लोगों ने क्या क्या है कि डोमेन सब्जेक्ट्स को भरने में कुछ गलतियाँ की हैं, या फिर ऑप्शनल को भरने में कुछ गलतियाँ की हैं, या फिर जनरल टेस्ट के ऑप्शन को सेक्शन 3 को नहीं फेल किया है। तो ऐसे में आपने सवाल पूछा है कि क्या अब चेंज कर सकते हैं। आगे वीडियो में मैं आपके साथ सारी जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है, आपने एग्जामिनेशन फी भी डिपॉजिट कर दिया है स्लॉट 1 स्लॉट 2 का, और फाइनल फॉर्म सबमिट हो चुका है, तो ऐसे केस में क्या करें? आपको ये बताते हुए मुझे बहुत ही झिझक हो रही, अफसोस हो रहा है कि अब आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, अगर इस यूनिवर्सिटी के लिए 4 डोमेन सब्जेक्ट फिल करना था, आपने 3 भरा है, 2 भरा है या 1 भरा है, और अब आपको पता चला है कि 4 डोमेन सब्जेक्ट भरना कंपलसरी है, या फिर सेक्शन 3 नहीं भरा है आपने, या सेक्शन 1 नहीं भरा है, तो ऐसे केस में क्या करें? अब आप कोई चेंज नहीं कर सकते। जो NTA की पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग, जो CUET पोर्टल है, समर्थ पोर्टल है, उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है जिसमें कि आप फाइनल फॉर्म सबमिशन के बाद कोई चेंज कर सकते हैं। हालांकि करेक्शन विंडो ओपन होगा लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन के बाद, जो कि 6 मई 2022 है अब तक। उसके बाद फॉर्म के साथ साथ फी डिपॉजिट की भी लास्ट डेट 6 मई 2022 है, जो हो सकता है आगे बढ़ भी जाए। इसके बाद भी करेक्शन विंडो ओपन होगा, करेक्शन विंडो में भी जो ऑप्शंस होंगे उसमें आपको डोमेन सब्जेक्ट्स या जनरल टेस्ट या फिर ऑप्शनल लैंग्वेज जो चूज़ करना है उसको करेक्ट करने के ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, सिर्फ उसमें बेसिक डिटेल्स को ठीक करने का मौका मिलता है, जैसे कि आपके नाम की स्पेलिंग गलत हो गई हो, आपके फादर मदर का नाम गलत हो गया हो, या आपका एड्रेस गलत हो गया हो, या आपके जो डिग्री सर्टिफिकेट्स हैं उसके डिटेल्स में कुछ गलतियाँ हुई, तो उनको आप करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन डोमेन सब्जेक्ट साथ ही साथ उससे रिलेटेड चीज़ों को आप करेक्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि फ़ी डिपॉजिट की जो विंडो है वो दोबारा ओपन नहीं होगी। अगर आपने फॉर्म गलत भर दिया है, आपने डोमेन सब्जेक्ट कम दिया है या ज़्यादा दिया है, या रिलेवेंट डोमेन सब्जेक्ट नहीं फिल किया है, तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में करना यह है कि आपको कुछ पैसे और खर्च करने होंगे, आपको फ्रेश एप्लीकेशन सबमिट करना होगा। इसके लिए आपको एक नई ईमेल आईडी और नए मोबाइल नंबर से दोबारा CUET के जो समर्थ पोर्टल है उस पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ध्यान से आपको सारी डिटेल्स फिल करने होंगे, और उसी डिटेल्स के अकॉर्डिंग जो हॉल टिकट जारी होगी उस पर आपको एग्ज़ाम देना है, क्योंकि आपका पिछला फॉर्म बर्बाद हो चुका है, उस पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो सवाल आ रहे थे कि डोमेन सब्जेक्ट आपने गलत भर दिया है, या फिर आपने ऑप्शनल या जनरल जो टेस्ट है उसके ऑप्शंस को आपने गलत भर दिया है, तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में आप फिलहाल कुछ नहीं कर सकते हैं, एक ही ऑप्शन है कि आपको फ्रेश एप्लीकेशन भरना होगा और उसके बाद आप एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, दूसरों से शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि कोई भी नई जानकारी मैं CUET के रिगार्डिंग चैनल पर अपलोड करूँ उसकी जानकारी, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सही समय पर मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, ऑल द बेस्ट फॉर CUET 2022।